हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को कैसे इशारे करें कि वो आपसे बच जाए। तो आज की वीडियो से टॉपिक है दोस्तों, देखो प्यार और अट्रैक्शन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है कि हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें नेगेटिव इशारे करते हैं, जिससे क्या होता है कि लड़की उनके उनको अटेंशन देने के बजाय उनसे दूर भागती है। जैसे कि कुछ लड़कों की आदत होती है कि लगातार लड़की को ढूंढते रहना, ऐसे देखेंगे जैसे कि वो लड़की के कपड़ों के अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्कैन कर रहे हैं। तो इस तरीके के इशारों से लड़कियां उनसे दूर भागती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक लड़की को कैसे इशारे करें। तो आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगी। तो वीडियो का एंटर देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले तो आप किसी भी लड़की को इशारे करने से पहले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब कि आई कॉन्टेक्ट भी करते हो, तो पहले आप उस लड़की को ऑब्जर्व जरूर करो कि वो लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है। मतलब कि देखो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होती हैं, ठीक है, इनको हर तरीके की बातें पसंद आती है। अगर ऐसी लड़की को अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हो, उनकी तारीफ के लिए अगर हॉट जैसे वर्ड का यूज़ करोगे ना, तो वो चीज़ उस चीज़ को वो ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक मिडिल क्लास की लड़की है या फिर ऐसी है जो उतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरीके के शब्दों का यूज़ करोगे, तो वह आपसे दूर दूर भागेगी और उल्टा वो आपके कैरेक्टर को जज करेगी, क्योंकि उसका नेचर ये नहीं है। तो इसलिए किसी भी लड़की को कैसे भी इशारे करने से पहले आप उसको पहले नोटिस करें कि वो लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप के लोगों में ज़्यादा उठना बैठना करती है, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप के है। तो आप उसके साथ वैसे ही इशारे करें, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक। इसके अलावा दूसरी बात है, दूसरे इशारा आपको ये करना है कि जब भी आप लड़की को का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो ना, तो आप उससे बात करते समय उसको दिखाओ कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, वो चीज़ आप केयर में दिखा सकते हो, उसको सुनने में दिखा सकते हो। वो जब आपके साथ होती है, आप उसको जितना सुनते हो, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ आप लाइक उसको लाइक करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लड़की से आपकी बातचीत नहीं होती है, ठीक है, तो आप उस लड़की के आसपास जब होते हो तो थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी दिखा सकते हो, लाइक गुनगुनाना या क्यूट सी हरकतें करना, ठीक है, या ऐसे ही नॉर्मली लड़की को देख कर स्माइल पास करना। बट हाँ, लड़की थोड़ा बहुत आपको जानती हो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के लड़के जो थोड़े से रोमांटिक होते हैं या फिर थोड़े से क्यूट दिखते हैं, ठीक है, क्यूट शरारत या हरकतें करते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों को अच्छे लगते हैं, तो उससे आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो। इसके अलावा अगला इशारा आप ये भी कर सकते हो कि अगर लड़की आपकी बातचीत होती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उससे अपने दिल की बात कर सकते हो, इमोजी के जरिए, लव शायरी के जरिए आप उसको बता सकते हो कि आप उसको पसंद करने लगे हो, तो वो भी आपने इंटरेस्ट दिखा है। तो ये कुछ ऐसे इशारे थे जो आपको करने चाहिए जब आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लड़कों को समझ ही नहीं आता कि कैसे इशारे। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।